starting? Akshay, firstly, how are you after the movie getting so much of promotion, so much of making, so such a great review? Yeah. Tell us something, how are you and how this days has been for you? मैं हर जगह सुन रहा हूँ कि सिद्धार्थ आनंद की सबसे बेस्ट फिल्म है ये, और उनकी सबसे बेस्ट फिल्म में एक भाग होना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. एंड आई जेन्यूनली लव द फिल्म, सो इट्स वन थिंग दैट यू, आई एम ऑल्सो पर्सनली वेरी प्राउड ऑफ द मूवी. और आई थिंक माई कैरेक्टर ऑल्सो हैज लेफ्ट एन इम्पैक्ट विच फील्स रियली नाइस यार. आई मीन ह्यूज इम्पैक्ट. या ह्यूज इम्पैक्ट, एंड इट फील्स वेरी नाइस टू हैव दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स. आई थिंक अगर मैं सिड को बोल रहा था, जो पहले 5 घंटे में इस पिक्चर की बॉक्स ऑफिस हुई है ना, अगर मेरी सारी फिल्में उठा करके आपने उसका कलेक्टिव बॉक्स ऑफिस लिया तो पहले के 5 घंटे तो मैच नहीं करता है. सो फॉर मी इट्स बीन आउटस्टैंडिंग, यू नो. आई थिंक अ होल ऑडियंस दैट डिडंट नो माय वर्क फाइनली नोज माय वर्क. यस. एंड कभी भी जब इंडिया पाकिस्तान की बात आ जाती है, वेदर इट इज गदर टू इंडिया पाकिस्तान की मैच, पीपल आर एक्साइटेड. या तो ट्रेलर आने के बाद से रिस्पॉन्स क्या आ रहा था आपके आपके स्पेशली रोल को लेके, क्या रिस्पॉन्स आ रहा था आपको? आई थिंक ट्रेलर तक लोगों को पता नहीं चला मेरा रोल क्या है ज्यादा, बट आई रिमेम्बर ट्रेलर का रिस्पॉन्स तो गजब था. एंड दैट्स ऑल आई नीड, आई न्यू कि मेरा रोल कितना इम्पैक्टफुल है, तो बस लोग आ जाएं और फिल्म देखें. बट पोस्ट द फिल्म, मतलब मैं सड़कों पे जाऊं तो लोग मेरे कैरेक्टर के नाम पुकार रहे हैं, बशीर खान. सो एंड दैट्स व्हेन यू नो कि वो ऑडियंस में कहीं ना कहीं आकर उनके दिल में छप गया वो कैरेक्टर. सो दैट उससे बेहतर एक्सपीरियंस कोई है नहीं. व्हेन समबडी कॉल्स यू फ्रॉम योर कैरेक्टर नेम, नथिंग फील्स बेटर देन दैट. बशीर खान की सबसे ज्यादा क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्लाइमेक्स के बारे में क्वेश्चन आ ही रहा है आफ्टर द डेड बॉडीज एंड ऑल, उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा था, तो आप कुछ अगर बताना चाहोगे क्लाइमेक्स? यार मैं गया रीगल सिनेमा, बिकॉज मैं आई थिंक रीगल सिनेमा रिप्रेजेंट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब हर तरह के लोग आते हैं रीगल सिनेमा में. तो मैं गया सिर्फ रिएक्शन देखने के लिए कि मेरे प्री क्लाइमेक्स सीन में लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं. और मुझे मैसेजेस आ रहे थे दूसरे थिएटर से कि आप वो तालियां बजते हैं आपके सीन पे, या सीटियां लोग मारते हैं. तो एज एन एक्टर मुझे वो फील करना था, तो मैं गया उधर और जो तालियां बजी यार वो सीन पे, और वो जय हिंद जब मैं चलाता हूँ तो लोगों ने क्या रिएक्ट किया उस पे. एंड देन सडनली वो गाना बजता है और फिर लोग रोने लगते हैं और मैं देख रहा हूँ और लोग रो रहे हैं टूट टूट के. आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू अ डायरेक्टर. सिर्फ एक डायरेक्टर समझता है ऑडियंस को किस तरह मतलब इमोशन दिखाया जाए. And Siddharth Anand is, I mean, one of the best directors we have in India. What about the dead bodies scene? क्या वो कट किया था, क्या वो shoot नहीं, वो कभी shoot नहीं गया, shoot ही नहीं हुआ, shoot ही नहीं हुआ है. वो किसी ने ये पूछा था मुझसे कि क्या वो कट गया पिक्चर से, but I think Siddharth Anand understood कि वो दिखाने की जरूरत ही नहीं है. Okay. Because मतलब let him die gracefully. वो हुआ, उसने अपने आप को martyr किया और फिर next cut to वो कफन आता है अंदर. And then people know that I'm dead. Some other director would have shown some gruesome उंगलियां कट रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, but he realized कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, you know, and a good director understands that. Yes, क्योंकि people के reaction ऐसे है कि क्या है उस scene के पीछे. Mostly the people are saying कि वो scene है, उसको cut कर दिया है. नहीं, कभी shoot ही नहीं गया, मेरे से सुन लो आज, कभी shoot ही नहीं गया था वो. Tell us something about the fighter, किस तरह से, how this movie came to you. मैंने एक शो किया था फ्लैश, मैं स्वरा भास्कर, सो आई प्लेड द एंटैगनिस्ट इन दैट, लाइक आई प्लेड द विलेन, आई प्लेड अ फ्लैश ट्रेड ओनर, ट्रांसजेंडर फ्लैश ट्रेड ओनर, वेरी वायलेंट कैरेक्टर. आई मीन बट द शो वाज प्रोड्यूस्ड बाय इरोस नाउ एंड सिड एंड ममता आनंद. तो वो शो ज़्यादा चला नहीं, आई थिंक इट वॉज इट डिडंट रीच अ बिग ऑडियंस, बट इट वॉज क्रिटिकली वेरी अक्लेम्ड एंड स्पेशली माई वर्क इन द शो वॉज वेरी अक्लेम्ड. तो मुझे याद है कि ममता ने मुझे, सिड्स वाइफ द प्रोड्यूसर ऑफ फाइटर ममता आनंद, शी कॉल्ड मी आफ्टर द रिलीज एंड शी सेड योर वर्क इज ग्रेट, वी हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विद यू, विल गिव यू समथिंग बिगर एंड बेटर. ऐसे लोग बोलते हैं इंडस्ट्री में, बट बिकॉज द आनंद आर एक्चुअली वेरी गुड ह्यूमन बींग्स, कट्टू 6 महीने बाद उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि हम एक फिल्म बना रहे हैं फाइटर, आके स्क्रिप्ट पढ़ लो एंड सी इफ यू वांट टू डू इट, एंड दैट्स हाउ आई गॉट दिस. क्या था सबसे पहले स्क्रिप्ट में कोई ऐसी बात या फिर कोई कैरेक्टर नेम से अगर बात है जो अमेजिंग लगी हो आपको? तो मुझे बोला गया कि आपका कैरेक्टर ये है बैश, बशीर खान, अब आप इसके पढ़ो ऑफिस में, बैश है आपका रोल. तो ममता ने कहा कि आप देख लो करना है नहीं करना है, लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट. एंड मैंने फोन पे बोला था, ममता मैम अगर 2 लाइन भी है ना फिल्म में मैं कर लूंगा. सो आई हैड नो हैंग अप इन दैट वे, बट व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट आई वाज लाइक इतनी बड़ी फिल्म में इतना अच्छा कैरेक्टर मिलना, इट वाज अमेजिंग, इट वाज अ ग्रेट डे. How was your preparation after that physically,
was there any training that you have done after that? So I mean I work out regularly, but is film ke liye kyunki we are wearing those G suits, yes. You know that wo Air Force ki jo vardi hai, usme sab pakda jata hai. And I knew Karan Singh Grover, Hrithik Roshan, ki body kya hai. So I worked extra hard. You also have a great feeling. Oh, thanks man, appreciate it Vishal. But I worked very hard. And you know, nobody wants to let Siddharth Anand down. Right. You want him to be happy, you know, you know, like itna passionate aadmi hai wo cinema ko leke, and you know his expectation from you. So I really didn't want to let him down, and I didn't want any ki mere upar koi sawal uthe ki kya mehnat nahi kiya, kya nahi kiya. So I was very regular in the gym this whole year. I ate right, I started doing intermittent fasting. And then also there is a certain etiquette that the Air Force has, which I only learned when I got to Tejpur. So we got very lucky ki the whole Air Force was there to support us. Aapko jo bhi sawal poochne the, we spent time with the Air Force, with the top fighter pilots of India. So I just watched them. I absorbed a lot by watching them. Ki kis tarah baat karte hain, wo kis tarah chalte hain, unke haircut kaisi hai, unke moochhein kaisi hai, the kind of jokes they play. So a lot of the things I adopted into my character, you know. And ek actor ka kaam hota hai ki energy absorb karke understand karke usko portray karna. So we got very lucky, yaar. We had access to the best fighter pilots in India. When you met the Air Force pilot, kya aapke paas question tha unke saath? सवाल जवाब किया आपने, कुछ आपने क्वेरी बताई? मैंने कितने स्टूपिड सवाल पूछे होंगे क्योंकि आई फेल्ट लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर ना, कि आपको कहा जा रहा है कि एयरफोर्स है, जो भी पूछना पूछो. तो मैंने इतने स्टूपिड क्वेश्चन पूछे हैं, बिकॉज यू नेवर नो आपको एक्टिंग में कहाँ क्या काम आएगा. yes. तो मैं छोटी छोटी चीज़ें पूछता था कि ऐसा है कि ऐसा है, कॉलर किस तरह होना चाहिए, इस बैच का क्या मतलब हुआ, जिप यहाँ तक आना चाहिए कि इधर आना चाहिए, आप सावधान में कैसे खड़े रहते हो, कोई कमांडिंग ऑफिसर आपसे बात कर रहा है तो आप किस तरह उनको रिस्पेक्ट देते हैं, या विच वे डू यू टॉक टू हिम. आई आस्क एवरीथिंग ऑल द वे टू द पॉइंट ऑफ कि आप जब मिशन पे जाते हो तो आपका आखिरी फोन कॉल किसको होता है. Okay. और हर एक चीज उन्होंने बताया बेझिझक. यू नो दैट वाज अमेजिंग यार, थैंक यू एयरफोर्स. यस, ऋतिक जी की जो एंट्री है, वो एंट्री पे हमेशा एक रहता है कि क्या है एंट्री. वॉर में भी जो एंट्री हुई थी, इसमें थोड़ी बहुत सिमिलर, फैंस लोग सिमिलर एंट्रीज लाते. आप अगर बताना चाहोगे वो जो शूट था, किस तरह से शूट था, वो एंट्री के बाद जब थिएटर में आपने पहली बार वो एंट्री देखी तो आपका रिएक्शन क्या था? जमीन आसमान का फर्क. Yes. जमीन आसमान का फर्क. जो शूट हुआ सेट पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया. सिर्फ वो सिद्धार्थ आनंद ने कहा कि ये उनकी एंट्री है, ये तुम्हारी एंट्री है, दीपिका की एंट्री है, कोई डायलॉग हुए और घर चले गए सब. बट सिर्फ एक डायरेक्टर को पता है कि उसके दिमाग में एग्जैक्टली क्या है. तो ओनली ही न्यू कि किस तरह वो प्लेन इन्वर्ट होगा, किस तरह मैं ऋतिक का क्लोजअप डालूंगा, किस तरह ऋतिक का वाइड शॉट आएगा, पहले वो निकलेगा वहां से, फिर वो हेलमेट उतारते हुए नीचे उतरेगा. ओनली सिद्धार्थ एंड देन दैट फ्लैग वेविंग बिहाइंड हिम, इतना खूबसूरत दिखाया ना उसको. मैन आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू हैव अ गुड डायरेक्टर ना, ऑल दीज थिंग्स, उनका जो मैजिक होता है ना, सिर्फ उनको पता है विजन क्या है. आई लर्न दैट ऑन फाइटर एक्चुअली, कि सेट पे कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, तो यू हैव टू सबमिट एंड सरेंडर टू योर डायरेक्टर, स्पेशली व्हेन देयर अ विजनरी डायरेक्टर लाइक सिद्धार्थ आनंद. Did you add that question to Siddharth sir, why 25 January always 2023 2024 and now I'm waiting for 2025 also. I hope I can see you once again. I hope I can see myself there with him. I would love to work with him again. I never asked him that, but it feels like it's a lucky day for him, and yeah. Clearly Pathan and fighter and and to come out back to back like that also, yaar wo dimag kya hoga us insaan ka. Pathan abhi banayi, रिलीज भी एक साल पहले, फिर ये आ गए एक साल में, लाइक इतना टैलेंटेड आदमी, कूट कूट के टैलेंट भरा उनके अंदर. यस, एंड हाउ वाज वर्किंग विद दीपिका मैम वंस अगेन आफ्टर पीकू? या आफ्टर पीकू, करेक्ट. यू नो पीकू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर हर, बिकॉज शी इज द टाइटल कैरेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर करियर, एंड इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर मी, बिकॉज मुझे इतने सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, एंड सुजीत सरकार जैसे डायरेक्टर के साथ. छोटा सा रोल था वो, बट इट्स अ गुड सीन, एंड इट फील्स काइंड ऑफ फुल सर्कल कि ऑलमोस्ट आई थिंक 9 years लेटर या 8 years लेटर मैं इतना बड़ा रोल कर रहा हूँ उनके साथ, इतनी बड़ी फिल्म में. यू नो आई कैन सी माय ओन जर्नी एज एन एक्टर, कि कहाँ स्टार्ट किया था छोटे छोटे रोल्स करके और कहाँ पहुँचा. सो शी एंड यू नो आई थिंक वी हैव, व्हेन यू हैव डन एन इम्पॉर्टेंट फिल्म टुगेदर, वो बॉन्ड हमेशा रहता है. सो आई थिंक आवर बॉन्ड इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. इज देयर एनीथिंग बेस्ट पार्ट ऑफ वर्किंग विद हर?
इतने मेगा स्टार या सुपर स्टार होने के बावजूद शी इज अ वेरी रियल पर्सन दीपिका. शी इज वेरी रियल एंड शी ट्राइज टू मेक हर सेल्फ फील वेरी ह्यूमन. बहुत मुश्किल होता है यार इतना बड़ा सुपर स्टार होने के बावजूद जो पूरी दुनिया भी ऑस्कर शी वी वर शूटिंग शी फ्लू टू द ऑस्कर शी केम बैक टू शूट बट शी प्रटेंड्स लाइक हाँ आई वेंट आई जस्ट मेड अ स्पीच एंड आई केम बैक यू नो देयर इज नो एयर्स अबाउट हर व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड शी डज इट. And what about the senior guy in the squad, Anil sir? After Animal, I was like, okay, he'll be taking break for 6 months, but back to fighter. वो आदमी मुझे कहते हैं कि कभी break मत ले, काम करते रहे, you know. And I've learnt a lot again from him because मैंने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मैं काम किया था उनके साथ. In Thar, I have one scene with him. And Selection Day is a show I did for Netflix that he produced. So he's also seen my journey. You know, he's also seen कि ये लड़का छोटे-छोटे role करके आगे बढ़ रहा है. Yes. You know, and he keeps telling me that. So I always seek advice from him because वो आदमी आज तक अपने दिमाग में newcomer है. Right. If you ask him, he will tell you, I'm a newcomer. I still have miles to go. So some people think कि नहीं यार अभी अनिल कपूर वो तो घर पे बैठा होगा. But look at this, यार fighter किया, animal किया, 67 का है वो आदमी, fit, lean, mean, trim. So I can only hope. That's the best part of him. Yeah, absolutely. If you want to be survive 50 years in the business, you have to be like Anil Kapoor. Okay. As a fanboy, I want to ask you one question. It's been like 3 years for Inside Edge 3. Yeah. And I'm waiting for 4. Yeah. I'm like, okay, how long I have to wait? Yeah. For? And I want to see you as a captain once again. Yeah, yeah. I want to see myself as a captain once again. Yeah. I'm. Thanks for bringing that show up. I love that show. I think it's a great, one of the best shows we made in India. And all the seasons have done well, you know, 1, 2, and 3 are all have a huge fan following. I don't know what's happening with 4. I think Karun Anshuman ko phone karna padega mujhe, but I hope we make it here, fingers crossed. OTT mein jo cricket ka season rehta hai, usme sabse behtareen show hai wo. Yes, 100%, I agree with you. Apart from this, lastly, anything coming up, one movie is coming up from your side. Yeah. Would you like to say something about sure, that? Sure, sure. I've actually, ye pichle saal maine bahut kaam kiya. Fighter ke alawa, main ek show karta hoon illegal. Mm-hmm. To uska teesra season aayega. Teesra season. Yeah. So, then there's a show called Broken News, which uska pehla season aaya with Jaydeep Alawa, Shreya Pilgaonkar. The second season, I've joined the cast. Then there is a film called Varchaswa with Ravi Kishan. There is a film called 2014 with Jackie Shroff, the Jackie Shroff. Then there is a film called Tu Chahiye, which is for Zee, which Ratna Sinha directed, jo Shaadi Mein Zaroor Aana ki director hai. To abhi dekhte hain, wo intense love drama hai. To ye filmein almost khatam ho gayi sari. And I haven't signed anything new, but I was waiting to see Fighter ke saath kya hota hai. And I'll probably sign something very soon. Yes, thank you so much. Thanks, Ishan. And all the best for your upcoming project. Thanks, man. Appreciate it. Thank you.